नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर मुंगेर से है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के घर से अवैध हथियार और गोलियां बरामद की। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि कासिम बाजार थाना क्षेत्र नवटोलिया बिदवारा निवासी सावन देवा के घर अवैध हथियार रखे जाने की और अपराधियों के जमावड़े की सूचना मिली थी। वहीं इस सूचना के बाद छापेमारी के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। सावन देवा के घर की गई छापेमारी के दौरान दो डबल बैरल बंदूक, दो देसी कट्टा और 10 गोलियां बरामद की गई। गुप्त सूचना के आधार पर एक इंफॉर्मेशन मिली कि जो नवटोलिया बिलवाड़ा है, वहां पर एक घर में अपराधियों का जमावड़ा होने की सूचना तथा उनके पास भारी मात्रा में हथियार है, इस तरीके का हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला। उसके बाद ASP सदर की टीम के द्वारा, जिसमें कासिम बाज़ार जमालपुर और जिला सूचना इकाई के जो टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा उस घर में रेड की गई। तो वो जो घर है वो एक भू माफिया है सावन देवा, जो कि नवटोलिया बिलवाड़ा का रहने वाला है, और अभी और वो उस पर जो है लैंड ग्रैबिंग के पूर्व में भी केसेस दर्ज हो रखे हैं। और इसका एक मोडस ऑपरेंडी है कि हथियार ले जा करके जो है लोगों को डराता है स्पॉट पे जा करके। तो उसके घर से जो है दो जो है हम लोग को बंदूक मिली है और दो देसी कट्टा मिला है तथा 5 जो है बंदूक की गोलियां हैं और 5 जो है 315 बोर राइफल की गोलियां हैं। तो उसने कन्फेशन में बताया है कि वो जो है जो जमीन पे कब्जा करवाता है डरा धमका करके, और ऐसा जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि इसको कुछ महत्वपूर्ण लोग का संरक्षण भी प्राप्त है, और हम लोग उस बिंदु पे आगे जो है कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि इस तरीके का क्रिमिनल है और लैंड माफिया होना और पब्लिक में जो इस तरह से फायरिंग करके दहशत फैलाना, तो इसके लिए निर्देश दिया गया है कि शीघ्र इसमें आरोप पत्र जो है समर्पित किया जाए और उसका स्पीडी ट्रायल कराया जाए। अब तक कितने मामले इस पर दर्ज है मैम? अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही दो का तो हमको पता है कि दो फायरिंग किया गया है। एक जमालपुर थाना क्षेत्र की घटना है, कासिम बाजार थाना क्षेत्र की घटना है, बाकी आपराधिक इतिहास और खंगाला जा रहा है। मैम ये बताइए, जो आपने संरक्षण देने के बारे संरक्षण देने की बात कही, तो कौन से लोग हैं जो संरक्षण इनको दे रहे हैं? अभी उस बिंदु पे जो है जांच करेंगे हम लोग।